तो गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो सर अभी तक जो गलों का सिक्स डिटेनर है जो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, जो कल जो है GYO और GFF ने प्रेस ब्रीफिंग में भी यही भी कहा है कि वो लोग इनोसेंट था, घर में चुपचाप जो बेचने वाला को उठा के ले गए वहां पे, इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मीडिया दोस्तों, कोई भी सवाल पूछने से पहले कोई जाति का नाम नहीं लेने से टिकता, या कोई गालो कम्युनिटी का कोई इसमें नाम लेने का नहीं है। इसलिए नहीं लेना है कि जो 36 आवर्स का जो बर्न कॉल दिया गया था, ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने दिया गया था, और जितना भी कार्रवाई हुआ वो भी ये जो बर्न कॉल 13 का जो 36 आवर्स का जो बर्न कॉल था उसको ही कार्रवाई किया गया है। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन था। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यही है कि कोई इस 36 आवर्स में कोई गलती नहीं करना है, और जो भी अरेस्ट हुआ है वही 36 आवर्स का पहले होता है या उसी समय में होता है। तो आप जिस आदमी का बात कर रहा है, जो चे जन जो है, ये चे जन है आपका, एक है तपक लेंडो, एक है होर्गे एते, एक है बोमदर डिग्नियो, ताबिक नाके और तानकिन नादिया नादा। ये चे जन का रिलीज़ के लिए ऑलरेडी 1819 हमको डेट याद नहीं है, ऑलरेडी उनका एसपी का वहाँ से क्लियरेंस करके जिस समय में दूसरा लोगों को रिलीज़ कर रहा था उस समय में इसका प्रोसेस जारी था। पहले जो लोग यहाँ में टोटल 33 नंबर्स का होता है, और उसको भी मुझे एक 25 था, उसका बाद ये 6 जन था, उसका बाद 2 जन जो है मेरा मुख से छूट गया, लेकिन मुझे टोटल मालूम था 33। इसलिए लोग जो है उसको लेके बहुत मीडिया में भी चर्चा हुआ, और लेकिन जो असली नंबर 33 है, 33 में से जो 20 जन का, और उसका बाद जो निकालने का समय में पायल जो है, क्या होता है कि एक बार सेक्रेटरीट में पहले वो आपका सेक्रेटरी जो है उसका जो डाउन दी लाइन वो पायल को बनाता है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का पास जाता है, फिर होम मिनिस्टर का पास जाता है, फिर सीएम का पास जाता है, फिर डाउन मार्किंग करके तब हमें जब सेक्रेटरीट से ऑर्डर मिलता है तब जाके हम एसपी को और जेल अथॉरिटी को चिट्ठी देता है, फिर वहाँ से रिलीज़ होके आता है। तो रिलीज़ होके यहाँ मेरा इधर में आने से फिर यहाँ में भी ऑर्डर बनाता है कुछ। ये एक हमारा जो प्रोसीड्योर्स है वो कभी एक दिन में हो जाता है, कभी 2 दिन में हो जाता है। और ये चेजन का ऐसे हुआ कि जब लास्ट जिसको रिलीज़ किया गया, तो उस रिलीज़ करने का समय में वहाँ पे हम 4 आदमी को जो भेजा था, तो वो 4 में से डाउन दी लाइन से एसपी ऑफिस से एक का जो डबल एंट्री जिसको ऑलरेडी रिलीज़ किया था उसका नाम में आ गया था, फिर जिसको रिलीज़ नहीं किया वो नाम नहीं था। तो फिर इसलिए उसको फिर से वहाँ से एसपी से फिर वो रिलीज़ के लिए जो नाम जो है फिर उसको करेक्शन किया गया, फिर मेरा यहाँ से करेक्शन किया, तो फिर वो पायल जो है आप फिर ऊपर फिर जाना पड़ा। तब ये लेंडोलो का जो पायल है ऑलरेडी सेक्रेटरीट में था, लेकिन उसी पायल को ऊपर में जो चला गया, फिर वो वापस आने का समय में, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ कोई पार्शलिटी किया गया या और किसी को टारगेट किया, ऐसे नहीं है, ये गलत होगा। इसलिए अच्छा हुआ आप लोग आया है, हमें पूछा है, और मुझे इसका थोड़ा खेद है कि हम सिस्टम जो है थोड़ा एक वन गो में सबको नहीं निकल पाया, लेकिन हमारा इंटेंशन किसी को
बाद में भेजना, किसी को पहले भेजना, ये हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। और हमारा और एसपी का तरफ से जो चीज़ करना है, कागज़ टाइमली चला गया है। तो अभी आपका जो लिंडो का, मैंने कल शाम को हमने सेक्रेटरी होम से बात किया है, वो फाइल ऑलरेडी गवर्नमेंट का पास है। वो जैसे ही वो अप्रूव होके आता है, मैं यहाँ से वो जो रिलीज़ का जो कार्रवाई है, एसपी साहब हम दोनों कर लेंगे। तो सर जैसे कि वो जीपीएफ और जीवायो का कहना है कि वो लोग जो है एक्टिविस्ट नहीं था और आप कह रहे हैं एक्टिविस्ट, इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई वो लोग एक्टिविस्ट था उस समय? देखिए, जिस समय यहाँ में हमको जब मेरा ऑफिस में प्रोडक्शन किया गया था, तो उसमें उन लोग जो ग्रुप में था, उस ग्रुप का जो मोबाइल जो रिकॉर्ड है और कुछ अन्य का कुछ मटेरियल उन लोग का पास था, तो इसलिए वो लिंडो तो यही करा करके बताया था कि उन लोग तो इन्वॉल्व है। लेकिन उस उनका कहना है कि जो एक जन जो है घर का मालिक घर ना कुछ था, तो उनको बोल रहा है कि ये इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हम ये बात उस समय में जिस ढंग से वो प्रोडक्शन किया गया था और उन लोग का एविडेंस जो दिखाया गया दिखाई देखा था कि वो लोग खुद एडमिटेड था कि इन्वॉल्व है। तो जब इन्वॉल्व नहीं होता है तो उनको तो डिटेंशन में रखने का कोई बात ही नहीं होता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, उससे पहले भी जो एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी मीडिया में आके कहा था कि उन लोग अन्या को सपोर्ट करता है, ऐसे मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद ऐसे कुछ था। तो उस हिसाब से भी अगर ये कोरिलेट करता है कि जिस समय उन लोगों को अरेस्ट करके प्रोडक्शन किया गया है, तो अभी बहुत देर हो चुका है। तो उन लोगों का ग्रुप में से जो है मोबाइल से भी हमें पता चला, उनका मोबाइल से भी, कि इन्वॉल्व था और अन्या का कुछ मेटेरियल था जो चीज़ उन लोग का पास था, रिकवरी किया गया पास में। तो इस हिसाब से अभी वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर बोलता है तो मुझे इस विषय में ज़्यादा चर्चा करने का नहीं है, लेकिन तो जिस सर इन्वॉल्व तो ज़रूर उन लोग का है। इनबॉक्स अगर क्या भी है तो सही है, उस दिन सबको जो जो एक्टिविस्ट था उसको रिलीज कर दिया नहीं, गया, ये बात तो तो अभी मैं बता तक रहा उसको हूँ, रिलीज क्यों नहीं 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 करे? बता रहा हूँ ना। देखिए, जी उनको रिलीज़ के लिए फाइल मूवमेंट का बारे में आपको हम बताया कि जिस दिन उसको हम और एसपी साहब हम लोग का रिलीज़ के लिए जो हमारा रिकमेंडेशन जो प्रोसीजर का अंदर आता है, हमने सरकार को जो भेजा है, तो वो फाइल जो है ऊपर चला गया था लास्ट जो 4 जन को जब रिलीज़ करने के लिए, फिर उसका एक नाम जो है चेंज करने का था, फिर वापस आ गया, फिर हम लोग करेक्शन करके भेजा। ये एक कोई जानबूझ के कोई सरकार का साइड से या हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साइड से, ऐसे नहीं है कि उन लोगों को मैं रखेगा बहुत देर रखेगा, ऐसे नहीं है। तो वहाँ मैं आपको हम बता रहा है कि जिस 4 जन लास्ट को रिलीज़ किया, वो फाइल में एक आदमी का ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका था और एक का नाम उधर में नहीं था। तो हमने फिर एसपी से करेक्शन करा करके मैंने जो भेजा, तो वो फाइल फिर सरकार का पास जाने का समय में ये लिंडो का फाइल हमारा उधर पहुंच गया, तो उसी फाइल में ही उनको फिर ऊपर भेजना था। तो वो करेक्शन करने का टाइम और इसको 4 जन को रिलीज़ करने का थोड़ा से ये हो गया, उसके बाद ऑलरेडी वहाँ पे था और सरकार ऑलरेडी, कल भी हमने होम सेक्रेटरी से बात किया तो किसी ने मुझे आके बताया कि फाइल जो है होम सेक्रेटरी का पास है। तो मैंने होम सेक्रेटरी को कल रात को 5-6 बजे में हमने पूरा फ़ोन किया, उनका कहना है कि गवर्नमेंट का पास अभी फाइल है, तो वो आने का साथ साथ में उनका जो रिलीज़ का कार्रवाई हो जाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा सभी लोगों को जो इस सब्जेक्ट मैटर में ताल्लुकात रखते हैं। तो हमारा सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऐसे सोच विचार नहीं है और कोई किसी को जानबूझ के तकलीफ़ देना नहीं देना। और जहाँ तक इसका अन्या का जो
ये एक जो दबन कॉल है उसमें जो जो लोग शामिल हुआ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं को ही ये डिटेंशन में रखा गया। और मैं क्लियर शब्दों में यही कहना चाहूँगा, बंद कॉल जो है ना पब्लिक के लिए ठीक है ना सरकार के लिए ठीक है। तो बंद कॉल में शामिल होना ये तो बहुत ही गलत बात है। अगले बार तो मैं सोचता हूँ कि वो काफ़ी और सख्त के साथ काम करना चाहिए। और मीडिया फ्रेंड से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बंद कल्चर को आप लोग का मदद मुझे चाहिए, ईटानगर में खास करके इस बंद कल्चर को बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए आप लोग ये हम रहे या ना रहे आप लोग हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो लॉ जो है सभी के लिए बराबर होना है, इक्वल होना है, उस समय उन लोग को रिलीज नहीं किया गया है, और साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशराइज किया गया है, जिसके कारण उस समय उन लोग को ही रिलीज नहीं किया है। तो कानून बराबर नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात होगा और ख़ास करके मेरे लिए। मुझे आज तक कोई पॉलिटिकल ऐसे कोई ऊपर से कोई मुझे ये दबाव नहीं दिया है कि किसको निकलना चाहिए किसको निकलना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और आपको हमने जो प्रक्रिया था रिलीज़ का प्रक्रिया था तो उसमें सबसे पहले जो 20 जन का था शायद, फिर नंबर्स हमको 20 जन का शायद था, तो वो 20 जन का बाद आपको अनदर कुछ ये 4 जन रह गया था। तो उसमें पायल जब ऊपर गया उसमें गलती से एक आदमी छूट गया, एक आदमी जो निकल चुका था उसका नाम आया, तो उन्होंने फिर करेक्शन के लिए मेरा पास आया, तो फिर करेक्शन करके फिर गया। तो उसी समय में ये लिंडो लोक का केस को भी हम लोग भेज दिया, तो वहाँ मैं पायल ऊपर गया, वो पायल आने से फिर उसका लिंडो का पायल मूवमेंट करने का था। तो इसी में थोड़ा से जानबूझ के नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई जानबूझ के ऐसे नहीं है। और शायद कोई स्टेशन में नहीं है या कोई ऐसे हो सकता है थोड़ा देरी हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ से जो ग्राउंड लेवल में जो क्लियरेंस करके जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो, मैंने कल होम सेक्रेटरी को भी बात किया कि जैसे ही आते ही हमको जल्दी दे। इसलिए मैं आज हॉलीडे है, सैटरडे है, मैं यहाँ ऑफिस में हूँ जरूर, तो और संडे भी कल मैं रुकूँगा। अगर संडे में भी आता है रात को भी आता है, मेरा कागज़ हम तैयारी करके रखा है, जस्ट नाम डालना है उसका, पायल नंबर डालना है, मैं एसपी को और जेल अथॉरिटी लोग को जो डायरेक्शन देना है दे देगा। इसलिए सब्र करने ठीक है। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग लिंक्ड है, इसी हिसाब से उनको डिटेन किया गया है। और परिवार है, समाज है, सभी साथ देने से अच्छा है मैं आपका जो गालों का जो पेडर्सन आपने जो बताया गालों का जीपीए जीपीएफ को मेरा रिक्वेस्ट है, और एक जी वायो जीवायो को भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब्र करने स्टिक है। और पायल ऑलरेडी मूव होके चल रहा है और थोड़ा से प्रक्रिया में थोड़ा लेट हुआ है, मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगले बार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपना समाज के जो इंटेलेक्चुअल है और आप लोग जैसे सीबीओ से यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मदद के बिना तो समाज में शांति बना के रखना पॉसिबल है ही नहीं है। उम्मीद करता है कि ऐसे जो लोग कभी कभी गुमराह हो जाता है उन लोगों को आप लोग का विजडम को यूज़ करके उन लोगों को सही काम करने देने से ठीक है। और इस प्रकार का तकलीफ आप लोग महसूस कर रहा है मैं तो कह दूँ, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा से है, और आगे आप लोग इस प्रकार का जो चीज़ है उसको सही दिशा और दशा सोसाइटी को देगा। तो सर लास्टली जो 18 को रिलीज होना था फिर भी रिलीज नहीं हुआ है, अगेन 19 को रिलीज करना था अगेन उसमें भी रिलीज नहीं हुआ है, तो अभी फाइल जो है होम सेक्रेटरी तक, हाई अथॉरिटी लेवल तक चला गया है, नहीं, तो इसका मेन सेक्रेटरी डिले होने का कारण सर क्या है? सरकार को दे दिया है, हमारा होम सेक्रेटरी से तो सरकार का पास चला गया है, तो वो जल्दी हो जाना चाहिए उम्मीद करता हूँ। तो सर आप
कब रिलीज होंगे क्या? देखो ये मेरा पास जैसे ही आई आपको हम जैसे बताए, आज भी सैटरडे है, मेरा जो जुडिशियल ब्रांच का ऑफिस स्टाफ लोग को बुला के मैं यहाँ बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आज भी आता है तो आज ही रिलीज़ कर देंगे, और संडे को कल भी अगर आता है तो कल भी हम रिलीज़ कर देंगे। मैं यहाँ इसीलिए बैठा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।